इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि फोन पे में दो बैंक अकाउंट को कैसे जोड़ा जाता है। जी हां दोस्तों, आजकल सभी के पास एक ना या दो बैंक अकाउंट होते हैं। वो चाहते हैं एक ही एप्लीकेशन में मेरा दोनों बैंक अकाउंट लिंक हो जाए, यानी कि जुड़ जाए, बड़े ही आसानी से हम उसको पेमेंट कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। तो सबसे पहले फोन पे में दो बैंक अकाउंट को जोड़ने के लिए आप फोन पे एप्लीकेशन ओपन करेंगे और यहाँ पे आप फिंगरप्रिंट की मदद से आप ओपन कर सकते हैं या नहीं तो पिन की मदद से ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक नया ऑप्शन लाया गया है इन्वेस्टमेंट का, जो कि यहाँ पे मनी का ऑप्शन था, या आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दो बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए आपको देखिए यहाँ पे प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मेरे प्रोफाइल है, तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। और क्लिक करने के बाद अगर आपका एक अकाउंट पहले से जुड़ा हुआ है वो यहाँ पे शो करेगा, अगर कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है तो यहाँ पे इस तरह से शो करेगा ऐड बैंक अकाउंट। तो मेरा एक पहले से अकाउंट जुड़ा हुआ है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपका भी एक अकाउंट पहले से यहाँ पे जुड़ा होगा तो यहाँ पे आपका दिखेगा। अगर आप दूसरा बैंक अकाउंट जोड़ना चाहते हैं या लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे आपको बैंक मिल जाता है और यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सर्च कर देंगे। यहाँ पे हम सर्च कर लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए SMS वेरिफिकेशन हो रहा है, तो यहाँ पे मेरा अकाउंट ऐड सक्सेसफुली हो चुका है। और यहाँ पे हम पिन को रिसेट कर लेंगे, तो चलिए हम यहाँ पे रिसेट पिन पे हम क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे देखिए आपके ATM कार्ड का या डेबिट कार्ड का जो है लास्ट का 6 डिजिट आपको यहाँ पे इंटर करना है, उसके बाद जो एक्सपायरी मंथ और ईयर होता है वो आपको इंटर करना है, क्लिक कर देना है। और ऐसा करने के बाद अलाउ का परमिशन दे देना है ताकि आपके OTP आ सके आपके फ़ोन पे। तो यहाँ पे देखिए इंटर OTP यहाँ पे करना पड़ेगा, अगर आपका ऑटोमेटिक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप मैन्युअली आप OTP इंटर कर सकते हैं। इसके बाद सेट UPI पिन, आप कौन सा पिन रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे अपना पिन इंटर कर देते हैं और राइट वाले निशान पे क्लिक करेंगे और कन्फर्मेशन के लिए फिर से दोबारा पिन देंगे। 6 डिजिट का पिन होता है UPI पिन, तो यहाँ पे राइट वाले निशान पे हम क्लिक करेंगे। कभी कभी तो 4 डिजिट का ही होता है, आपके बैंक पे निर्भर करता है। तो यहाँ पे देखिए आपका UPI पिन सेट हो गया और डन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि अगर आपका दो बैंक अकाउंट लिंक हो गया एक ही नंबर के साथ, अगर कोई भी व्यक्ति फोन पे में पैसा भेजेगा तो कौन सा बैंक अकाउंट पे जाएगा, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे जाएगा कि यहाँ पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पे जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे देखिए प्राइमरी लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे प्राइमरी लिखा हुआ है तो समझ जाइए आपका पैसा जो है अगर कोई भी फोन पे से भेजता है आपके मोबाइल नंबर से सीधे बैंक अकाउंट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाएगा, यानी कि यहाँ पे प्राइमरी लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी मेरे फोन पे से पैसा भेजे फोन पे नंबर से तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नहीं जाए और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जाए, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पे। और यहाँ पे देखिए सेट प्राइमरी है, तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और कंफर्म कर देंगे। तो यहाँ पे आपका जो है ये देखिए यहाँ पे प्राइमरी यहाँ पे आ चुका है, कहे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि IPOS में आ चुका है प्राइमरी। आप कोई भी पैसा भेजेगा तो फोन पे के माध्यम से आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ही आएगा। तो इस तरह से कुछ आप कर सकते हैं। अगर आपको फिर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लेना है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए सेट प्राइमरी पे क्लिक करेंगे और कंफर्म कर देंगे। और कोई भी पैसा भेजेगा तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी लिखा हुआ है, तो जो भी प्राइमरी जिस बैंक अकाउंट में लिखा होगा उसी में पैसा आएगा, चाहे एक बैंक अकाउंट लिंक कर रखिए चाहे दो बैंक अकाउंट लिंक करके रखिए। तो इस तरह से आप जो है फोन पे में दो बैंक अकाउंट को जोड़ सकते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं।